स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, हम सभी जानते हैं कि दहेज मांगना और दहेज लेना एक कानूनी अपराध है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दहेज देने वाले व्यक्ति भी इसी दायरे में आते हैं, यानी उन्हें भी ऐसा करने के अपराध में जेल हो सकती है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाज से दहेज की कुप्रथा को खत्म करने के लिए साल 1961 में एक दहेज निरोधक कानून बनाया गया था, जिसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी कहा जाता है, जिसमें दहेज लेना ही नहीं दहेज देना भी एक अपराध है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कानून में दहेज मांगने वाले से ज्यादा बड़ी सजा दहेज देने वालों के लिए निर्धारित की गई है। तो चलिए इसी जानकारी में सबसे पहले समझते हैं कि डॉरी यानी दहेज होता क्या है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 धारा 2 के अनुसार ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो शादी करने वाले एक पक्ष द्वारा एक परिवार द्वारा दूसरे पक्ष या परिवार को दी जाए, उस शादी के समय, उससे पहले या बाद में कभी भी डॉरी कहलाती है, यानी दहेज कहलाती है, जिसके लिए इसी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दोनों ही पक्ष यानी दहेज लेने वाला और दहेज देने वाले दोनों ही व्यक्ति या फिर दहेज देने या लेने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 3 के तहत कम से कम 5 साल तक की कैद की सजा और 15,000 रुपए या फिर दहेज के सामान के मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट को जो भी ज्यादा अमाउंट लगे उसका जुर्माना कोर्ट उस व्यक्ति पर लगा सकती है। लेकिन याद ध्यान दीजिएगा कि इसी धारा का यानी सेक्शन 3 का एक अपवाद भी है। इसका सेकंड पैरा बताता है कि जो भी उपहार शादी के समय दूल्हा या दुल्हन को दोनों पक्षों द्वारा बिना किसी मांग के दिए जाते हैं, वो प्रेजेंट्स दहेज नहीं कहलाते। जिसके लिए ये अधिनियम यानी ये एक्ट बताता है कि जो उपहार है उनका लिखित ब्यौरा तैयार होना चाहिए और उसमें उन उपहारों की अप्रोक्स वैल्यू भी बताई जानी चाहिए और जिसने वो उपहार दिया है उसका नाम और उसका संबंध भी लिखा होना चाहिए और अंत में उसमें दूल्हा और दुल्हन के साइन भी होने चाहिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई गिफ्ट या प्रेजेंट्स वधु पक्ष द्वारा अपनी इच्छा से दिया जाता है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ध्यान में रखते हुए उपहार के रूप में दिया जाता है, वो दहेज नहीं कहलाता। लेकिन अगर वह डिमांड पर दिया जाए तो वह दहेज कहलाएगा, जिसके लिए दोनों ही पक्ष लेने वाला भी और देने वाला भी बराबर के अपराधी माने जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डॉरी डिमांड करता है यानी दहेज की मांग करता है तो उसके लिए क्या सजा है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 4 सेक्शन 4 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूल्हा या दुल्हन किसी भी पक्ष से या उसके पेरेंट्स या रिलेटिव से दहेज की मांग करता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो आशा है दोस्तों कि अब आप समझ ही गए होंगे कि दहेज लेना ही नहीं दहेज देना भी एक अपराध है और दहेज मांगने से ज्यादा सजा दहेज देने वालों के लिए निर्धारित की गई है, ताकि दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से ही खत्म किया जाए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दहेज देगा ही नहीं तो मांगने वाले कब तक मांगेंगे। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।